नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी और अब तो दिन ही कम बचे हैं। बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, समय का उपयोग करना सीखें। तो किसी ने हमसे फ़ोन करके कहा था, सर हर चैप्टर के जो जितने प्रकार हैं, जैसे संज्ञा के कितने प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ठीक है, वाक्य के कितने प्रकार का है, इस पर एक वीडियो बना दो। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा और आपको बिल्कुल क्वेश्चन सही करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? पांच। वाक्य के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? दो। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? आठ। कौन कौन से हैं ये आप हमारे वीडियो देखो, उससे पता करो, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? छह। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तीन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? बावन। स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो। ठीक, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? देखो हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, ये कुल की बात आए तो 13। अंग और आ भी हम स्वर में गिनेंगे जब कुल की बात की जाए, ठीक। नेक्स्ट अनुनासिक वर्ण, हाँ हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। अगर हिंदी में स्वर पूछे जाए तो 11, कुल पूछे जाए तो 13। अनुनासिक वर्ण कितने हैं? 5। इयामा अंगाड़ा नामा, भाई लास्ट वाला का का गगा अंगा, लास्ट वाले जो जो हमारा वर्ग है, ठीक है। देखो काचाटा तपा, ठीक, पांच है तो पांच हमारे अनुनासिक हो जाएंगे। अनुनासिक में तो जिनको मुंह और नाक दोनों से बोला जाए, ठीक, पांच। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 11 अलावा 4। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33, ठीक। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के चार भेद हैं, यहाँ पे चार कर लो ये, ठीक। कारक के कितने भेद हैं? 8। समास के कितने भेद हैं? 6। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक। हिंदी में लिंग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2। व्युत्पत्त अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? 2। वाच कितने प्रकार के होते हैं? 3। देखो जब वाच की बात की जाए तो अगर ऑप्शन में 3 नहीं है तो 2 मिलेगा आपको, 3 नहीं है तो आपको 2 मिलेगा, 2 नहीं है तो आपको 3 मिलेगा। अगर 2-3 साथ में देता है तो 3 लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। काल के कितने भेद हैं? मुख्यतः 3। अव्यय के कितने भेद हैं? 4। निपात के मुख्यतः कितने भेद हैं? 9, ठीक। संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। रस मुख्यतः कितनी संख्या है? 9। विभाव के कितने भेद हैं? देखो तो विभाव, विभाव के मुख्यतः 3 भेद हैं, ठीक। आलंबन, उद्दीपन और आश्रय, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय, ये विभाव के 3 भेद हैं। आचार भरत ने रस कितने माने हैं? 8। मम्मट अथवा विश्वनाथ ने रसों की संख्या? 9। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 2। वियोग और संयोग, वर्ण व मात्रा के आधार पर छंद के कितने भेद हैं? 2। अलंकार मुख्यतः कितने भेद हैं? अलंकार के कितने भेद हैं? मुख्यतः 2 भेद हैं, शब्द अलंकार अथवा अर्थ अलंकार 2। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, कौन कौन से? छेका, वृत्या, सुत्या, अंता, लाटा। शब्दों के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4। शब्दों के मुख्यतः 4 भेद हैं, कौन कौन से? रचना के आधार पर, व्युत्पत्त के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर 4 शब्द के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं चैप्टर में हमारे हैं उसको पढ़ो। ये एक खाका मैंने बता दिया कि प्रकारों से एक क्वेश्चन रखा है, पक्का श्योर है। मैं जो कह रहा हूं आप लोग वही करना प्लीज। देखो
इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस समय जो प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, कोई भी प्रैक्टिस सेट है, कोई भी करंट का वीडियो है, जो लोग नोट्स लिए हैं, जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं, ठीक पढ़ के जाना, नहीं तो बाद में मत कहना कि हमारे नोट्स से फंसा नहीं, हमारे नोट्स से आया, हमारा पढ़ाया हुआ आया। मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो लिखा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, उसको पढ़ के जाना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।